आप क्या कर रहे हो? अभी मैं बाहर जाने की एक्टिंग करूंगा, देखते हैं अद्विका का क्या रिएक्शन है। और ओके अद्विका, बाय बाय, आई एम गोइंग आउट। डोंट गो, आई वेरी मच, आई लव यू सो मच। देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं डोंट गो आउट, सो आप भी अपने अपने घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए। थैंक यू। तो देखिए कमाल की एम्बियंस है रूम की, तो मैं आज आपको चीज दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी कमाल की बग्गी है। तो आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि बग्गी तो है हमारे पास, इसका घोड़ा कहाँ है? तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ जो घोड़े का यूज करूंगा, मैं बड़ा आदमी हूँ इसलिए मैं हाथी यूज करता हूँ। अच्छा, तो सर आपका फिर हाथी कहाँ पे, वो तो बताओ। हाथी थोड़ा सा वॉक पे जा रहा है। ये क्या किया आपने पाउडर के साथ? अद्विका ये क्या कर रहे हो आप, पाउडर सारा खराब कर दिया आपने। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मोदी जी की स्पीच सुन रहा था कोरोना वायरस पे, तो वो कह रहे थे कि कुछ दिनों के लिए आप अपने घरों में रहेंगे, मतलब घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन मैं तो निकल रहा हूं, 15 दिन की छुट्टियां आई हैं, बीवी पीछे पड़ी हुई है, कहती आप कहीं बाहर नहीं लेकर जाते हो। अब जब छुट्टियां आई हैं तो क्या बोलूं बीवी को, नहीं मोदी जी ने मना किया, मैं जा रहा हूं। बाहर को गोली थोड़ी चल रही है ना, ये कोरोना स्पेशली मेरा वेट कर रहा है कि कब मैं घर से बाहर निकलूं और वो मेरी तरफ आए, मैं तो जा रहा हूं। और सबके साथ ही है, मुझे अकेले को थोड़ी होगा है, प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम चली जाती है, कुछ नहीं होगा। जी हाँ, हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं, मेरी उनको हाथ जोड़कर विनती है कि ये समय ये सोचने का नहीं है कि आप सही हैं या मोदी जी सही हैं, ये समय ये सोचने का है कि बात सही है या गलत। सो प्लीज बिना किसी जरूरत के गर्मी की छुट्टियां समझकर घर से बाहर ना निकलें, अपने आप को अपने परिवार को और पूरी मानव जाति को सुरक्षित रखने के लिए अपना सहयोग दें। और अगर फिर भी आपको बात समझ नहीं आ रही तो आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। 1000 पटाखों की लड़ी देखी कभी आपने जो हम दिवाली पे चलाते हैं, उनमें से सिर्फ एक पटाखे को हम आग लगाते हैं,
पूरी लड़ी एक मिनट से पहले खत्म हो जाती है। आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। प्लीज अपना सहयोग दें, घरों से बाहर ना निकलें। धन्यवाद। यू नो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वन थिंग दैट व्हाई कांट वी अंडरस्टैंड अ सिंपल थिंग दैट वी हैव टू स्टे एट होम। देयर इज नो चॉइस। गवर्नमेंट बोल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स बोल रहे हैं हमको कि प्लीज स्टे एट होम, हेल्प देम टू फाइट ऑन आवर बिहाफ। दिस इज नॉट एन इजी सिचुएशन, अग्रीड, बट इज इट एन इम्पॉसिबल सिचुएशन? नो, वी कैन ऑल डू दिस। हम बहुत बोलते हैं ना कि हम भारतवासी ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो करिए ना प्लीज। मैं आपको ही नहीं बोल रही, खुद को भी, और मैं कर रही हूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वी आर ऑल एट होम एंड वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। किसी की तबीयत खराब है या कोई दवाइयां चाहिए एक्सेट्रा, बट अदरवाइज जस्ट स्टे एट होम। प्लीज हेल्प द गवर्नमेंट टू हेल्प अस, प्लीज। सो हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजिंग, वो सब ठीक है, लेकिन घर में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। इफ यू लव देम, यू विल स्टे एट होम। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस जो है वो पूरे विश्व में बहुत ही तेजी से फैल रहा है, और पूरे विश्व में जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसको रोकने के लिए। और हमारे देश में भी हमारी सरकार और हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सो ऐसे में हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम लोग अपना योगदान दें। सो हम लोग अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? अपने घरों में रहकर, जब तक कि कोई बहुत ही जरूरी काम ना हो, आप अपने घर से बाहर ना निकलें, भीड़भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, और अपने हाथों को साफ रखें, सैनिटाइज करें, दिन में 8-10 बार अपने हाथ धोएं, और जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू जो है वो रखा है, ताकि वो देख सकें कि लोग कितना सपोर्ट करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि 22 मार्च को हम लोग घरों पर रहेंगे उसके बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। इसको जाने में थोड़ा समय लगेगा, और समय लगेगा, लेकिन हाँ, जब तक हम सब लोग मिलकर इसमें अपना योगदान नहीं देंगे, तब तक हम इस समस्या से निजात नहीं पा सकेंगे। सो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ की अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप घरों से बाहर ना निकलें, और स्पेशली 22 मार्च को हम लोग सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक अपने घरों में रहें। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि शाम को 5 बजे आप अपनी बालकनी में खड़े होकर क्लैपिंग करके उन डॉक्टर्स को अपना समर्थन दे सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं जो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सो उनको अच्छा लगेगा, बिकॉज वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। सो 22 मार्च ही नहीं, उसके बाद भी कोशिश करें कि जितना घर से कम निकलें उतना ही अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा है, पूरे विश्व के लिए अच्छा है। सो मैं प्रे करता हूं कि ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये जल्द से जल्द खत्म हो, और हम सब खुशी खुशी दोबारा अपने काम पे वापस लौटें। और स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू। और किधर जाके करूं यार, आपके घर पे भी यही हाल है क्या? अब मैं अपना मोबाइल कहाँ चार्ज करूं? यस, लेट्स ट्राई टॉकिंग। अबे तो अपनों ने लूटा, स्टॉक मार्केट में कहां दम था? हम तो क्वारंटीन भी वही हुए जहां नेटवर्क कम था। टू होम सो एवर इट मे कंसर्न, मुश्किल समय है दोस्तों। अगर आप घर पर रहे तो शराब के ठेके बहुत जल्दी खुल जाएंगे, अगर आपने बाहर जाने की गलती की तो इसमें बहुत समय लग सकता है, मर्जी आपकी। हाय एवरीवन, आज रात 9 बजे लोग रोशनी करने वाले हैं, तो जो लोग पर्टिकुलरली कैंडल्स जलाएंगे उन्हें मैं बताना हूं कि मोमबत्ती कैसे जलानी है। सबसे पहले चाहिए एक माचिस, माचिस को आप लीजिए, माचिस को आप खोलिए, सॉरी ऐसे खोलेंगे तो नहीं, इसको इस तरफ से खोलिए, और उसके बाद आप तीली लीजिए।
तीली माचिस के इस हिस्से में आपको चलानी है। ऐसे देखिए, शायद माचिस ये गीली है। ये पता नहीं क्यों नहीं जल रही, ये मोटा हिस्सा क्या है? ओ या, ये जली। अभी आपको मोमबत्ती लेनी है और मोमबत्ती में आपको बत्ती जलानी है। बत्ती किधर गई? मोमबत्ती में बत्ती होना बहुत जरूरी है, इसमें बत्ती नहीं है। चेक कर लीजिए आपकी।